में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किन्नर को गिरफ्तार किया है। लोगों के निजी अंग को काटकर नपुंसक बनाने का आरोप इस पर लगा है। नपुंसक बनाकर अपनी जमात में करता था शामिल। आरोपी किन्नर का नाम बिजली बाई बताया जा रहा है। काफी दिनों से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, बिजली बाई नाम की किन्नर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बेहद संगीन आरोप इस किन्नर पर लगे हैं। लोगों के प्राइवेट पार्ट्स काटकर उनको अपनी जमात में शामिल करता था ये किन्नर। हालांकि पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और अब इससे पूछताछ की जा रही है कि कितने लोगों को इसने अपना निशाना बनाया है। नपुंसक बनाकर लोगों को ये अपनी जमात में शामिल करता था। हिमांशु इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। हिमांशु, दिल्ली पुलिस ने एक किन्नर को गिरफ्तार किया है और काफी संगीन आरोप इस पर लगे हैं, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल नमता, जिस तरह से आरोप लगे हैं वो काफी संगीन है और कोर्ट ने भी पिछले काफी समय से इस किन्नर को भगोड़ा घोषित कर रखा था, तो दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि दिल्ली पुलिस की नजरों में मोस्ट वांटेड था और लोनी का ये रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूरी पूछताछ की जा रही है। 4 से 5 लोगों के जो निजी अंग है वो काटने का मामला सामने आया है और उन्हें नपुंसक बना दिया जाता था, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। और भी जानकारी निकल कर आ रही है क्योंकि पिछले तकरीबन 6-7 महीने से जो इसका गैंग है वो काफी सक्रिय था और ऐसे में बिजली बाई को अरेस्ट करना दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्राइम ब्रांच की तरफ से एक काफी कह सकते हैं कि उन लोगों को राहत मिलेगी जो बिजली बाई के संपर्क में आ जाते थे या उसके जाल में फंस जाते थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है और कोर्ट ने भी जिस तरह से भगोड़ा घोषित कर रखा था तो कोर्ट भी कल इस पूरे मामले पर पूरी तरह से सख्त रुख अपनाएगा। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताइए।